हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यू एन ए, जिसमें आपके पूछे हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। या तो आपके क्वेश्चन के आंसर जो है मैं कमेंट सेक्शन में ही दे देता हूं, या फिर जो है अपने क्यू एन ए में आपका क्वेश्चन फीचर करता हूं, जहां पे सबके लिए आपका क्वेश्चन और उसका आंसर बेनिफिशियल होगा। तो आज का जो हमारा क्यू एन ए है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ हम आईफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे मेरा OnePlus 7 Pro है उसके बारे में भी बात करने वाला है, जिसका मैंने वीडियो जो है कल ही डाला हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना OnePlus 7 Pro का अनबॉक्सिंग और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा के बारे में। तो आइए हमारे वीडियो को जो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है जावेद इकबाल का। जावेद इकबाल बोलते हैं कि आप कहते हैं, यानी कि मैं कहता हूं कि एप्पल की सिक्योरिटी जो है वो टॉप नॉच है एप्पल के फोन्स के अंदर, और जी बोर्ड जो कीबोर्ड आता है, जो गूगल का कीबोर्ड है, वो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए और मैं यूज़ नहीं करता पर्सनली, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन अगर गूगल का जी बोर्ड जो कीबोर्ड है अगर किसी ने अपने आईफोन में डाउनलोड कर लिया और वहाँ पे उसको यूज़ किया तो सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो एप्पल की सिक्योरिटी कहाँ से आती है? देखिए, एप्पल की अगर आप स्टॉक सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो आपको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी इस टाइप के कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हो। तो यहाँ पे एप्पल का रोल नहीं है आपको उसमें प्रोटेक्ट करने का, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्योंकि एप्पल ने आपको जो है स्टॉक कीबोर्ड दिया है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर जाके कोई थर्ड पार्टी कीबोर्ड अगर इस्तेमाल करते हो और वहां पे वो कीबोर्ड अगर बैकएंड के ऊपर आपके पासवर्ड सेव कर रहा है या आपकी कोई भी डेटा चुरा रहा है या आप जो भी टाइप कर रहे हो उस पर नजर रख रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है अपना ख्याल रखने का। तो अगर आप जानते हैं ये सब चीजें गूगल के प्रोडक्ट जो है वो करते हैं तो उनको मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नीरज शर्मा का। इनके पास एक iPhone 6s है और ये iPhone 6s के अंदर जो है iOS 13 का बेटा वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, और ये जो बेटा वर्जन है डेवलपर बेटा वर्जन है, तो ये सितंबर तक वेट नहीं करना चाहते जब पब्लिक रिलीज होगा ऑफिशियल वर्जन स्टेबल वर्जन, तो पूरे iOS 13 के अंदर इनको बहुत ज़्यादा अगर बग्स देखने मिले प्रॉब्लम देखने मिले तो वापस ये कैसे जा सकते हैं iOS 12.3 के ऊपर। तो नीरज शर्मा, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जो वर्जन होता है डेवलपर बेटा वर्जन, इसमें बहुत सारे बग्स ही होते हैं और ये बग्स को जो है वो लोग ठीक ठाक करके जो है आपको एक स्टेबल रिलीज वर्जन देंगे, पब्लिक स्टेबल वर्जन जो सितंबर में आपको मिल जाएगा। तो वहां तक आपको जो है सितंबर तक रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका एक ही आईफोन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अगर आपके पास बहुत सारे आईफोन्स हैं तो आप उसको जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एनीवेज, अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले आपको iOS 12 का जो भी वर्जन आप चला रहे हो उस पर आपको बैकअप बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आई बटन पे जो क्लिक करके जो वीडियो है वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि iOS 13 से फिर से आप iOS 12 पे कैसे जा सकते हो। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपको वापस आना है iOS 12 के ऊपर तो मेक श्योर कि आपने iOS 12 पे अपने आईफोन का बैकअप बना लिया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चिरंतन सरकार का। ये बोलते हैं iPhone XS का कैमरा क्या कैनन के 1300D जो एक एंट्री लेवल DSLR है उससे अच्छा होगा क्या? मैं सिर्फ 1300D की बात कर रहा हूं, उससे हायर लेवल के कैमरा की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, कब किस कंडीशन में वो कैमरा किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये देखने वाली बात है। अगर आप लो लाइट वगैरह के शॉट्स अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली DSLR का कैमरा ही बेटर होता है, क्योंकि उसका सेंसर साइज जो है फोन के कैमरा से जो है काफी ज्यादा बड़ा होता है। फोन का कैमरा जो है उसका सेंसर काफी छोटा होता है, तो उसके अंदर जो है उतनी लाइट नहीं आ पाती, उतनी जो इंफॉर्मेशन है फोटोज की नहीं आ पाती। तो ऑलवेज जो है DSLR का अगर कंपैरिजन आईफोन के साथ या कोई भी मोबाइल फोन के साथ करोगे तो DSLR ही बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल यूजर की आप बात करते हो जो सोशल मीडिया के लिए फोटोज निकालता है, नॉर्मल कैजुअल वीडियोस निकालता है, तो उसके लिए फोन ही एक बेटर ऑप्शन होता है इतना बड़ा DSLR कैरी करने के सामने। अगर आप कोई स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली DSLR होगा, क्योंकि उसमें आप एडिटिंग करके उसको ठीक ठाक करके फोटो को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। तो कैमरा अगर है आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी और आप DSLR एक फोन में कंपैरिजन कर रहे हो तो DSLR ही बेटर है। लेकिन बहुत सारी जगह पर आप DSLR कैरी नहीं कर सकते हो, तो उन जगह पे आपका फोन जो है वो बेहतर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्लैश हीरोज का। ये बोलते हैं आईफोन्स के अंदर कर्व डिस्प्ले कब आएगा? तो मैं नहीं चाहता कि कर्व डिस्प्ले आए। जो नॉर्मल 2.5D कर्व्ड ग्लास है आईफोन का वो बहुत अच्छा है और यूज करने बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये OnePlus के डिवाइस में आप वीडियो में भी देख सकते हो जाके जो मैंने बनाया हूँ, वो कर्व डिस्प्ले पे जो एजेस होते हैं उसके ऊपर जो है कलर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आता है। पर एक एंगल से देखेंगे आप फोन की तरफ तो वहाँ पे आपको ग्रीन लाइट, अगर व्हाइट स्क्रीन देखें तो ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट ऐसे आपको वहाँ पे नजर आएगी। और दूसरी बात है जो पकड़ने में जो है आप ग्रिप करने में बार बार जो है स्क्रीन पे अलग अलग चीज़ें प्रेस कर सकते हो, तो ग्रिप वाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज अगर फॉल हो जाता है तो भी अगर एक कर्व डिस्प्ले है उसका टूटना जो है आपको बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत ईजिली वो क्रैक हो सकता है, बहुत ईजिली टूट सकता है। और दूसरी बात है व्यूइंग एंगल्स के हिसाब से भी जो है कर्व डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं भी नहीं चाहता कि आईफोन में आए और मुझे लगता भी नहीं कि एप्पल जो है बहुत जल्दी ऐसा कुछ करने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है OnePlus 7 Pro से रिलेटेड। सैफ महमूद पूछते हैं कि iPhone XR, Galaxy S10 Plus और OnePlus 7 Pro के बीच में कौन सा बेहतर है, क्या iPhone XR लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा? डेफिनेटली iPhone XR जो है OnePlus 7 Pro से एक बेहतर डिवाइस है।
बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, काफ़ी फास्ट डिवाइस है। ये नहीं बोलता मैं, वन प्लस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, 12 GB रैम 256 GB वाला वेरियंट यहाँ पे मेरे पास है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ब्लेजिंग फास्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए देख रहे हो एक अच्छा फ़ोन जिसके अंदर आपको ट्रू फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे, तो आईफोन XR बेटर है। डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली वन प्लस 7 प्रो जो है आईफोन XR से बेटर है, लेकिन बाकी सब चीज़ अगर आप देखते हो तो आईफोन XR इज़ अ मच बेटर डिवाइस। में IP रेटिंग भी मिलती है आपको, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है सैमसंग की तरह ही, यहाँ पे IP67 का रेटिंग है, और आपको मिलता है वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो आपको वन प्लस 7 प्रो में नहीं मिलता, जबकि वन प्लस 7 प्रो में भी ग्लास बैक है जो कि उतना ही अनरिलायबल है जितना आईफोन का, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया तो यहाँ पे उस चीज़ को देने का मतलब नहीं। और अगर आप सिर्फ गैलेक्सी S10 प्लस और वन प्लस 7 प्रो के बीच पूछ रहे हो तो दिल तो यही बोलता है कि वन प्लस 7 प्रो के लिए जाए क्योंकि ज़्यादा फास्ट फोन है, लेकिन आपको जाना चाहिए गैलेक्सी S10 प्लस के साथ अगर एंड्रॉइड में ही जाना है, क्योंकि गैलेक्सी S10 प्लस जो है ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर डिवाइस है वन प्लस 7 प्रो के सामने, क्योंकि अगर आप रिसेंटली नहीं जानते तो वन प्लस 7 प्रो के ऊपर या वन प्लस के ऊपर टोटली एक इल्ज़ाम लगा है जो कि सच है कि उन्होंने यूज़र्स का, वन प्लस यूज़र्स का जो ईमेल है वो चीज़ जो है लीक की है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो आपका डेटा लीक करती है या ईमेल लीक करती है, इतना 58,000 या 60,000 रुपीज़ डालने के बावजूद ऐसे वाले फ़ोन के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आवेस का, ये बोलते हैं कि एंड्रॉयड और iOS के बीच में कौन सा बेहतर है, अगर iOS बेहतर है तो iOS बेहतर क्यों है। iOS डेफिनेटली एंड्रॉयड से बेहतर है। सबसे पहली बात, एंड्रॉयड जो OS है वो कभी भी आपके स्मार्टफोन के लिए नहीं बनाया गया, वो स्मार्ट कैमराज के लिए बनाया गया था, उसको बाद में इंटीग्रेट किया गया स्मार्टफोन्स के ऊपर, इसलिए आप अगर देखते हो अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड्रॉयड OS के अंदर, और अभी फुशिया OS जो गूगल लाने वाला है वो काफ़ी बेहतर होगा एंड्रॉयड के मुकाबले। और iOS जो है वो टोटली मोबाइल के लिए ही बनाया गया था, आईफोन के लिए ही बनाया गया था, और iOS और एप्पल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है और पूरा हार्डवेयर है आईफोन का वो जो है एप्पल खुद बनाता है, इसके लिए जो है उसका ऑप्टिमाइजेशन फैंटास्टिक होता है, इसीलिए आपको वन प्लस 7 प्रो में जो चीज़ 12 GB का रैम करती है वही आईफोन XR में 3 GB का रैम करती है, वही जो है आईफोन XS के अंदर 4 GB का रैम कर देती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि iOS जो है कितना ज़्यादा स्टेबल, कितना ज़्यादा अच्छा है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए अपडेट्स और कंटिन्यूस जो है सिक्योरिटी अपडेट्स और एकदम अप टू डेट अगर आपको रहना है, पहले दिन ही जब USA के अंदर किसी को iOS अपडेट मिलेगा तो इंडिया में भी उसको iOS अपडेट मिलेगा, और अफ्रीका में भी जो यूज़र है उसको भी iOS अपडेट मिलेगा, तो आपको जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, तो आपको तो आईफोन के साथ ही आना पड़ेगा। आईफोन 5S जो आज 2013 में लॉन्च हुआ था, 5 साल उस फोन को हो गए, आज भी जो है वो लेटेस्ट iOS यानी कि iOS 12 पे चल रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेन एंटरटेनमेंट का, ये बोलते हैं आईफोन XR 2 के लिए रुकू सितंबर में जो आने वाला है, या अभी के करंट लाइनअप के जो आईफोन्स हैं उनके लिए जाऊं, तो आईफोन XR या आईफोन XS XS Max के लिए अभी आप जा सकते हो, लेकिन जो सितंबर में आने वाले फोन्स हैं, सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप तब तक वेट कर सकते हो तो कीजिए, तो हो सकता है अभी के जो जनरेशन के आईफोन्स हैं उनका प्राइसिंग जो है उस टाइम पर ड्रॉप हो जाए, और आने वाले जो फोन्स हो गए उनका प्राइसिंग अभी के जो जनरेशन के फोन्स हैं उनसे डेफिनेटली ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांस है कि अभी के जो आईफोन्स हैं उनसे ज़्यादा होगा उनका प्राइसिंग, तो आप ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है तो रुक जाइए, या फिर आप इन फोन्स के ऊपर और डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज अभी के जो फोन्स है वो भी फैंटास्टिक है, काफी आने वाले सालों तक आपको जो अच्छा सपोर्ट देंगे तो उनके लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नईम शेख का, ये आईफोन X और आईफोन XR के बीच में कंफ्यूज्ड है, तो बोलते हैं कौन सा फोन लेना चाहिए अगर नया लेना चाहते हैं, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि अभी आप आईफोन XR के लिए जाइए आईफोन X के सामने, क्योंकि डेफिनेटली आईफोन X जो है ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड के आता था, इसके अंदर डुअल कैमरा आपको मिलता है, 3D टच मिलता है और ओलेड पैनल मिलता है, सामने ओलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आईफोन XR का जो डिस्प्ले वो भी ख़राब नहीं है, और आईफोन XR की बैटरी लाइफ जो है आईफोन X के मुकाबले ज़्यादा है, आईफोन XR का डिस्प्ले जो है आईफोन X के मुकाबले बड़ा है, और आईफोन XR का जो कैमराज है उसका परफॉर्मेंस आईफोन X से बेहतर है। अगर आप पहले मुझे पूछे होते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि आप आईफोन X के लिए, लेकिन अभी इसका आईफोन XR का प्राइस भी ड्रॉप हो गया है और iOS 13 के साथ इसके अंदर भी 3D टच के पूरे फीचर्स आपको मिलने वाले, तो 3D टच का जो यहाँ पे एक प्लस और माइनस वाली बात थी वो भी यहाँ पे एप्पल ने खत्म कर दी है, तो अभी आपको अगर नया डिवाइस लेना है तो आईफोन X के सामने वैल्यू फॉर मनी मुझे आईफोन XR ही लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो एयरपॉड्स से रिलेटेड है, समीर राय पूछते हैं कि एप्पल एयरपॉड्स के लिए जाना चाहिए या गैलेक्सी बड्स के लिए जाना चाहिए, कौन सा बेहतर रहेगा, उनके पास एक आईफोन XS Max है। आग बंद करके समीर आप एयरपॉड्स के लिए चले जाइए, क्योंकि एयरपॉड्स जो है बेहतरीन डिवाइस है और गैलेक्सी बड्स के सामने जो है बहुत अच्छी चीज़ है और इतने कंफर्टेबल टू वेयर है एयरपॉड्स के, आपके कान में होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि गैलेक्सी बड्स जो है जो रेगुलर इन ईयर टाइप के ईयरफोन्स आते हैं उस टाइप का है, ज़्यादा देर तक पहन नहीं पाएंगे, आपको कान में जो इरिटेशन होगा तकलीफ होगी, तो एयरपॉड्स जो है मच मोर कंफर्टेबल एंड मच मोर अच्छे से कंपैटिबल आपके आईफोन के साथ और सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ
आप इसको ओपन करेंगे, इसका केस तो आपके डिस्प्ले के ऊपर, इनका बैटरी परसेंटेज, इनको कनेक्शन करने का तरीका एकदम फैंटास्टिक है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एयरपॉड्स, और आग बंद करके इनकी चर्चा ये गैलेक्सी बड्स की तरफ देखने की आपको जरूरत भी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अब्दुल्ला शाकिर का, ये कॉलेज स्टूडेंट है, आईफोन 6s प्लस है इनके पास, और इसके अंदर जो बोलते हैं कि APK ऐप्स जो इंस्टॉल नहीं होते, मतलब ये पूछ रहे कि जो एंड्रॉइड में APK लोग जो है डाउनलोड कर लेते हैं पायरेटेड ऐप्स, यानी कि उनके लिए पे नहीं करते और पेड ऐप्स को इस तरीके से फ्री में डाउनलोड करते हैं, तो एप्पल के अंदर जो है आईफोन के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो क्या उनको एंड्रॉइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए? कि आप एंड्रॉइड में शिफ्ट हो जाते हैं इस रीज़न से, तो आप हो सकते हैं कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, आईफोन जैसे आप यूज़ करते हो उसी तरह से आप एंड्रॉइड यूज़ कर सकते हो, और आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो फ्री ऐप्स है इस तरीके से पायरेसी करना ये बहुत ही गलत है, ये इलीगल है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, किसी से जो है प्रोडक्टिविटी हासिल कर रहे हो, तो अगर आप उसके लिए थोड़ा पैसा अगर दे दे तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप पैसा नहीं देना चाहते, तो और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो APK फाइल्स एंड्रॉइड में होते हैं, जो APK एप्लीकेशन जैसे नेट से आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, उसके अंदर जो है मैलवेयर या स्पैमवेयर भी हो सकता है, जो आपके पासवर्ड्स या आपके फोन का डेटा चुरा ले, क्योंकि कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो तो कैमरा का परमिशन मांगता है, गैलरी का परमिशन मांगता है, फोटोज का परमिशन मांगता है, तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों लीरॉन द बॉस का क्वेश्चन है एयरपॉड से रिलेटेड ही, ये एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और बोल रहे हैं कि चीप वायरलेस ईयरफोन्स लेना चाहिए उनको या फिर एप्पल के एयरपॉड्स लेना चाहिए। देखिए आप क्योंकि एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपके पास एक आईफोन SE आपने बताया, मैं ये समझता हूं कि आपको जो है एयरपॉड्स के ऊपर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। हालांकि एक जबरदस्त चीज है, आप एक बार ले लेंगे तो आपको फिर कोई दूसरे ईयरफोन्स के ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका बजट अभी कम होगा शायद, क्योंकि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके पास आईफोन SE है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा आपको बचाना चाहिए आपके फोन को अपग्रेड करने के लिए। आगे जाके अभी आपको फोन अपग्रेड करना होगा तो पैसा आपके काम आएगा, और अभी आप कोई सस्ता वाला ईयरफोन्स ले सकते हो, कॉलेज में हो सकता है कोई घूम जाए कहीं खो जाए तो आपको दुख भी नहीं होना चाहिए इतना, इसलिए आप बेहतर होगा कि किसी और वायरलेस सस्ते वाले ईयरफोन्स के लिए चले जाए। और ये आगे पूछते हैं कि हाउ टू अर्न मनी इन योर टीन्स, तो अगर आप एक टीनेजर हो तो बहुत तरीके आपके पास मनी अर्न करने के लिए, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के ही अंडर होंगे, अभी ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स ही आपका खर्चा उठा रहे होंगे, तो आप सोचिए, आपका दिमाग लगाइए किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ध्रुव का, ये एक आईफोन 10 लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इंडियन और आउट ऑफ इंडिया वाले जो फोन्स होते हैं या इम्पोर्टेड फोन्स होते हैं उनमें 20,000 रुपये का इनको फर्क महसूस हो रहा है या फर्क दिख रहा है, तो ये चाहते हैं जानना क्या वारंटी में भी डिफरेंस होगा उनके, तो बिल्कुल वारंटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एप्पल जो है इंटरनेशनल वारंटी को भी इंडिया के अंदर ऑनर करता है, तो बाहर से आप फोन लेके आएंगे उनकी वारंटी आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है, जैसे एक इंडियन MRP प्रोडक्ट की मिलती है, तो ये सब बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। और क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्वालिटी भी जो है दोनों प्रोडक्ट्स की सेम होगी, क्योंकि एप्पल जो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है दुनिया की और जो है उसका क्वालिटी कंट्रोल एकदम टॉप नॉच होता है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए जो फोन्स बनते हैं और बाहर के लिए जो फोन्स बनते हैं उसमें क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस होगा। और ये कंफ्यूज्ड है आईफोन 10 सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और OnePlus 7 Pro के लिए, तो आप अगर आईफोन के लिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आपको एंड्रॉइड में जाना है तो फिर से मैं आपको बोलूँगा कि सैमसंग का S10 प्लस लीजिए, वो ज़्यादा आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा OnePlus 7 Pro के मुकाबले। दोस्तों अब अगला जो कमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये Q&A का अंदर का कमेंट नहीं है, बल्कि मेरा जो OnePlus 7 Pro का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है जो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, उसके अंदर एक कमेंट आया और मुझे समझ में नहीं आया ये कमेंट देख के, मतलब बहुत लोगों ने हेट दिया, बहुत लोगों ने प्यार दिया, जैसे भी अपनी अपनी सोच थी, क्योंकि फ़ोन की मैंने थोड़ी बुराई कर दिया हो तो वहाँ पे लोगों को गुस्सा आना जो है वो लाजमी था, लेकिन यहाँ पे हरसिमरन सिंह करके कोई है, उनका कमेंट है, थोड़ा सा बड़ा सा कमेंट है, उन्होंने वीडियो की बुराई बुराई तो की है, लेकिन जो हाइलाइटेड पोर्शन है उस पर आप नजर डालिए, वो बोलते हैं कि प्लीज डोंट ब्लाइंडली गो फॉर आईफोन्स इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आग बंद करके अंधभक्त बन के जो आईफोन्स के पीछे मत जाइए सिक्योरिटी के नाम पे और OS के नाम पे। सिक्योरिटी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटी, ये पूछते हैं, बोलते एंड्रॉइड, यस एंड्रॉइड लीक्स योर पर्सनल डेटा इन्फो ऑनलाइन, बट व्हाट डज इट अफेक्ट यू या हाउ डज इट अफेक्ट यू, बोलते हैं कि एंड्रॉइड जो है आपका पर्सनल डेटा लीक करता है लेकिन आपको उसे क्या फर्क पड़ता है, तो बोलते हैं लीक्ड इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, बोलते हैं लीक जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो रही है वो सिर्फ एंड्रॉइड को बेहतर बनाने के लिए हो रही है, जैसे न्यूज़ वगैरह या कौन सी प्लेसेस आप विजिट कर रहे हो या आप क्या शॉपिंग कर रहे हो ये सब वो बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे कि स्टॉप सेइंग दैट वी बाय आईफोन्स बिकॉज इट्स मोर सिक्योर। ऑब्वियसली हरसिमरन सिंह आपको जो है ऐसी ही चीज़ लेना चाहिए जो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि आप क्या सोच के कमेंट किया आपने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंड्रॉइड जो है आपका डेटा लीक करता है आपको पता है और बोल रहे हो कि वो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लीक करता है, ये तो बात मुझे समझ में नहीं आई। गूगल जो है उसका पूरा बिजनेस ही जो एडवर्टाइजमेंट का है और एंड्रॉइड के अंदर जो जो एप्लीकेशन आता है वो हर एप्लीकेशन जो है आपका डेटा जो है लीक करते रहता है, और आपके फ़ोन के अंदर हो सकता है आपके घर के लेडीज़ के फोटोज़ होंगे, आपके पर्सनल चैट होंगे, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स होंगे,
आपको पता भी है या नहीं कि ऑनलाइन कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स या आपके पासवर्ड्स, आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स अगर लीक हो जाते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई जो है वो पानी में बह सकती है। तो सोच समझ के जो है डिसीजन लिया कीजिए। ऐसे ही आप अंधभक्त मत बनिए और एंड्रॉयड के पीछे मत जाइए, आईओएस के पीछे मत जाइए, जो आपको सिक्योर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है उसके लिए जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी सेफ्टी होती है, आपकी सिक्योरिटी होती है। अपने आप को या अपनी लाइफ को या अपनी प्राइवेट लाइफ को जो है इतना हल्के में मत लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का संडे Q&A पसंद आया होगा। और आगे संडे Q&A में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे #AskNabeel का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सेल बडी स्टोर का जो इंस्टाग्राम था, जो सेल बडी स्टोर का मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनका इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया था बीच में, तो उन्होंने नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप अगर उनको भी फॉलो करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।